मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा नहीं है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि मैं बाल काट रहा हूँ या फिर ये दूर में कुछ। आप देखिए तो सही यार, ये उसकी चमड़ी है और ये सिर का भाग है, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कितनी दीढ़ मुट्ठी। आप देखिए पूरा मशीन पूरा जम चुका है। कैसे हो काका? ठीक हो? कैसे हो? क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ, चलो खड़े होके बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हैं हैं, कहाँ से हो आप? क्या हुआ, कुछ पैर में हुआ है आपको? तो फिर खोलो तो जरा, क्या हुआ है? खोलो तो ये पट्टी, खोलो तो, खोलो इसको, निकालो सब। क्या सामान रखते हो उसमें? हैं, निकालो पट्टी निकालो। कोई लगा तो नहीं है ना, जख्म नहीं है ना कोई? दोस्तों अभी हम नवसारी में हैं और यहाँ पे एक रेस्क्यू के लिए हमें कॉल मिला था और अंकल की हालात आप देखिए कि काफ़ी टाइम से वो नहाए नहीं और इसी जगह पे वो रहते हैं। हालात बहुत ही गंभीर है, पास पे भी नहीं बैठ सकते, उतनी दुर्गंध आ रही है और पैर पे। बस मजा वहाँ क्या, बस मजा वहाँ। ए अंकल कितने टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत टाइम से, 4 वर्ष या 4-5 वर्ष में ये नौकरी करी, हमने खबर ना। अच्छा, कोई नाम वाम खबर छे? ना नाम वाम नहीं, यहाँ तो पर आ रहा भी करी, એટલે આપણે શું ખબર પડે એનું નામ શું છે શું નહીં। નવસારી ખબર, બટ એ છે ને સ્ટેશન પર છે ને હંમેશા એમને રાતના છે ને હું આ બાજુ જોતો રહું છું, બટ એમ લંગડાય લંગડાય ને ચાલે છે। હું ભી વિચાર કર્યું કે હું તમને કોલ કરું। ક્યા નામ હે આપકા? મારું નામ ધીરજ પરમાર છે અને હું નવસારી થી બિલોંગ કરું છું। અચ્છા, સ્ટડી કરું છું, બટ એને મારે આવા જવાનું થાય છે, તો એમને ઘણા બધા દિવસ થી હું જોઈ રહ્યો છું। કેટલા વખત મદદ કરાવો, એક મિનિટ રુકો। આપ દેખ્યો તો ખરી યાર, કેટલી ગંદી તરહ સે રહે રહો આપ, નાને કે ધોને કી સુવિધા નહીં હે યહાં પે। બધું છે પણ કો અને જાતે કોને કર, निकालो सब निकाल दो। दोस्तों आप नज़दीक आइए इधर और यहाँ पे उसके हालात देखिए, पूरा चमड़ी का कलर बदल चुका है कि देखिए। सब निकाल दो, लाओ मने दो, ना ना जाओ दे, निकाल दो। साइड में वो दवाई लगी हुई तो मुझे लगा कुछ लगा होगा उसको, लाओ ये रहा ये रहा ये रहा। आया कितना वर्ष थी छे? काका 5-6 वर्ष थी छे। 6 वर्ष, 4-5 वर्ष रोड पर चालता था, चालता था, पछि हमरे उठता उठता बता खावानू आपे तो खाय, पछि हूं थई हूं नहीं, पछि चालवानू पछि चालू बंद कर लाकी। अंकल वाह, चलो बहुत अच्छी बात है कि यहां पे कुछ आपको लगा नहीं है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि यार आपको इतना जख्म है और आप इतने रोड पे रह रहे हो। आप मेरे साथ चलो, है ना, आपको मस्त रहने की सुविधा मिलेगी, खाने पीने की व्यवस्था, अच्छे कपड़े, अच्छा जीवन मिलेगा आपको। आप मेरे साथ चलो, चलो खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, हैं ना ना यूँ ना चले, चलो चलो खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, इधर इधर उधर उधर। कुछ लगा है आपको कुछ? मैं आपको पकड़ लूँ हाथों से, अपने हाथों से ले लूँ? चलो दोस्तों आप देखिए कि अच्छे से वो चल नहीं सकते और यहाँ पे रोड पे इतनी 6 सालों से रहना कितना मुश्किल हो सकता है व्यक्ति को। सिर्फ हम जो अच्छे हालात बदलने के लिए उसके पास जाके उसकी सिर्फ भावनाओं को भी समझेंगे तो वो भी हमारे लिए सबसे बड़ी सेवा होगी। अंकल आना चाहते हैं, सब कुछ हमारे साथ रेडी है, पर कोई शायद व्यक्ति जो 6 साल के अंदर कोई व्यक्ति एक भी आ जाता उसके हालात को खाली पूछ भी लेता तो ऐसे दिन आज नहीं देखने पड़ते थे। बैठ जाओ। सदा सुखी राखे तुमने भगवान, बस हमने आशीर्वाद तुमने सेवा करे तुम्हारा बाल बच्चा हूँ तुमने पुण्य पक्ष। थैंक यू सो मच, बस हमें हमारा टाइम माध्यम टाइम काटिए। तमे पण खूब सारू काम करो छो, नवसारी ने साफ राखवानो काम बहु मोटो काम छे। अरे होय ना तमे आजळ थो, हुं हां तने फोन करतो खाली। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले दोस्तों, आज नवसारी में आने का मौका मिला और ये हालात 6 साल से अंकल की है और कुछ ना कुछ बदलाव के लिए हमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा।
आप भी एपिसोड पूरा देखिए, शेयर कर दीजिए। अभी हम जा रहे हैं पुलिस स्टेशन, वेरिफिकेशन करवाते और आगे सूरत में उसकी कुछ व्यवस्था करते। थैंक यू सो मच। दोस्तों फाइनली वेरिफिकेशन हो चुका है नवसारी टाउन पुलिस स्टेशन, और हम इसलिए सब कुछ दिखा देते, कोई भी व्यक्ति के पास आप सेवा करने जाते हो उसके हालात बदलने के लिए, तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जान बिल्कुल कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट भी हमें बहुत सपोर्ट करती है और कहीं ना कहीं हमें भी NGO के नाते कुछ ना कुछ सपोर्ट करने के लिए आगे आना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम नवसारी से जा रहे हैं सूरत, और वहाँ पर जाके अंकल के हालात बहुत ही गंभीर है, काफ़ी दिनों से नहाए नहीं है और बहुत ही गंभीर हालात है, हम बैठ भी नहीं सकते, बट चलिए कोई बात नहीं, हालात को बदलने का छोटा सा प्रयत्न है। पूरा एपिसोड देखिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। चलो आ जाओ भगवान, क्या बात है, बाथरूम कर दिया गाड़ी में, चलो कोई बात नहीं, साफ कर लेंगे हम, पेशाब कर दिया है भगवान ने, हमारी गाड़ी पवित्र हो जाती है, ऐसे कोई उल्टी कर देता है या फिर पेशाब टॉयलेट कर लेते हैं तो क्या गाड़ी स्वस्थ हो जाती है हमारी। चलो कोई बात नहीं, साफ हो जाएगी, ये तो सिर्फ एक पार्ट है हंसी मजाक का। भगवान के हालात देखिए, इतनी बुरी हालात है कि मैंने, अब देखिए इधर मैं कुछ बोल नहीं सकता, पर पूरा कलर चेंज हो गया है कि कितने टाइम से वो नहाए नहीं है, कपड़े चेंज नहीं किए, और अभी हम आ चुके हैं मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट संचालित मानव मंदिर आश्रम, जहाँ पे ऐसे भगवान की कुछ ना कुछ व्यवस्था बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम साथ में मिलकर सभी लोगों के लिए आगे आते और कुछ ना कुछ बदलाव लाते हैं। आ जाओ भगवान इधर बैठो, बोलाओ नहीं, चलो ठीक है। तो आप देखिए कितनी गंदगी भरी हुई है, मैं देख के भी हैरान हो जा रहा हूँ कि भाई इतनी हालात में लोग कैसे रह पाते हैं। काफ़ी दिनों से मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने से तो नहाए नहीं होंगे, इतनी धूल मिट्टी लग चुकी है, चलो ठीक है, पर वो मर भी सकते हैं ऐसी हालात में। कितने दिन से नहीं नहाए हो काका? हैं? बहुत दिन हो गए। क्या नाम है आपका? तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ये उसकी चमड़ी है और ये सिर का भाग है, आपको लगेगा ही नहीं कि भाई कितनी ढीढ़ मुट्ठी, आप देखिए पूरा मशीन पूरा जम चुका है। नरेश भाई ये क्या ही नहीं, आप देखिए पूरा मशीन जम चुका है कि व्यक्ति कितनी इतनी खराब कंडीशन में व्यक्ति रह रहा है। इधर मतलब पूरा चिंगम लगा हुआ है, चिंगम किसी ने लगा दिया है या फिर रोड पे किसी सोने के कारण लग गया होगा, अभी निकल भी नहीं रहा। इधर आओ, नाम नहीं बताया आपका यार, हैं? बताओ ना यार, क्यों ऐसा करते हो? आपका नाम बता दो ना एक बार प्लीज। नहीं है, कहाँ से हो आप? हैदराबाद। अच्छा, तो नवसारी में कितने टाइम से रह रहे थे? बहुत दिन से। वहाँ से लोग तो बता रहे थे 6 साल से रह रहे थे। आपके परिवार में कौन कौन है? घर में कोई नहीं है? मम्मी पापा भाई आपके लड़का है? घर में लड़के है? क्या नाम है लड़के का? याद नहीं है। अच्छा, और आप देखो यहाँ पे शांति से रहिए, आपका ख्याल रखिए, कितनी गंदगी निकली आपको पता है?
मैं आपके सर का कलर बदल गया था, पूरा ब्लैक कलर था, अभी देखिए ओरिजिनल कलर निकला आपका। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए पहले, ठीक है? अच्छे से खा लीजिए, अच्छे कपड़े पहन लीजिए, अच्छे से आराम कर लीजिए। ये जो मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, आशीर्वाद मानव मंदिर आश्रम, आप जैसे लोगों के यहाँ पे काफ़ी ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी बदलने की बात करी जा रही है, बस उसके सहारा इसका थैंक यू कर रही है कि आपको एक नई ज़िंदगी बदलने का यहाँ पे रास्ता मिला है, ठीक है? आप शांति से रहिए, यहाँ पे आपको सब कुछ सुविधा मिलेगी। दोस्तों, हिंदुस्तान से जितने भी लोग देख रहे, निवेदन है कि अंकल बता रहे कि वो हैदराबाद से, तो हैदराबाद के जितने भी लोग देख रहे हैं उसके परिवार तक हम पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अंकल अपना नाम नहीं बता रहे बट, और ऐसे शरीर में कोई ऐसे निशान भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं उसके परिवार वाले जो मिल जाएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात होगी। सोशल मीडिया आश्रम, जहाँ पे सोशल मीडिया के माध्यम से हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदलने की बात करी जा रही है, आप भी दोस्तों आगे आइए, एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसे परिवार तक पहुँच सकते। तो थैंक यू सो मच सपोर्ट दे। चलिए भगवान, मैं रजा लेता हूँ, ठीक है? आप अपना ख्याल रखिए, चलो आ जाइए।